ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये हमारा पहला सेशन है रिवीजन स्पेशल क्लास का, राइट? हम लोग चैप्टर 14 करेंगे, वी विल डू चैप्टर 14। ओके, अकाउंटिंग का मतलब सबको मालूम है। अकाउंटिंग में हमारा बेसिकली वी डू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, लाइक जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं ना, परचेस, सेल, एक्सपेंसेस एंड ऑल, एंड इवेंट्स होते हैं रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस, जैसे प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब। इनको रिकॉर्ड करके हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट, एंड फाइनेंशियल पोजिशन असर्टेन किया जाता है, आपका औकात, आपके पास कितना गाड़ी, कितना बंगला, ये सब आपने बनाया है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये हम लोग एसओसीआई से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये एसओएफपी से निकाला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? सो अगर कोई आपको अकाउंटिंग मतलब बोले ना, इफ समवन टेल्स यू व्हाट इज अकाउंटिंग, तो सिंपली उसको बोलना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट? बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, राइट, व्हाट एवर डे टू डे एक्टिविटीज इट टेक्स प्लेस, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बाइंग, सेलिंग, राइट, एक्सपेंस देना, किसी से सर्विस लेना, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये सारा एक्सचेंज जो भी होता है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उनको रिकॉर्ड करके हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, बिजनेस ने कितना कमाया, एंड उस कमाए हुए पैसे से बिजनेस ने क्या किया, व्हाट द बिजनेस हैज डन विद दैट मनी, बेसिकली आपने उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, राइट, एसेट्स का आपका पोजिशन। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग करने का मेन मकसद क्या है, नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना। नाउ वंस यू असर्टेन, यू हैव टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। नाउ देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन देंगे, लेंडर्स, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, राइट? अभी मान लो शेयर होल्डर एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको हम पीएल और बैलेंस शीट दे दिया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है। उसको सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में ये जानने का है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, उसमें से मेरे को क्या रिटर्न आया। दीज फिगर्स विल नॉट सफाइस हिज पर्पस, राइट? सो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं ना, इट शुड एड सम मीनिंग टू द यूजर्स, अकॉर्डिंगली दे विल टेक द डिसीजन वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस रिलेशनशिप और नॉट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे डिसाइड कि हमारा जो अभी तक का जो रिश्ता है बिजनेस का,
वो हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो ऐसे अगर मैं रॉ फिगर्स अगर तुमको दे दूं, मैंने 5 करोड़ कमाया, इट डजेंट मेक एनी सेंस। 5 करोड़ कमाया कितना रुपए का कैपिटल लगा के, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ इफेक्टिवली यू हैव यूटिलाइज दिस फंड्स। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो, राइट? इट इज नथिंग बट इट्स अ रिलेशनशिप। बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड बेसिकली इसको हम लोग रिलेटिव मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिलेटिव मेजर, राइट? अभी ए बोलता है मैंने 5 करोड़ प्रॉफिट किया है, बी बोलता है मैंने 2 करोड़ प्रॉफिट किया है, ए इज सेइंग दैट आई हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, बी इज सेइंग आई हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। कौन अच्छा है? नो वन कैन से, नो वन कैन से। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा हाउ मच कैपिटल ए हैज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। हियर कम्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दैट इज रेशियो। इंटरप्रिटेशन, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजलेस, आई एम टेलिंग यू। यू वोंट बिलीव इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कंपनी लॉ। इस पेपर में याद रखना, इस पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। जितना नॉलेज, जितना ज्ञान आप पेपर में लिख पाएंगे, आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। मतलब अगर 2 घंटे की क्लास है और मैं अगर 2.5 घंटे बोल पढ़ूं, अगर 2 घंटे की क्लास है और मैं अगर 2.5 घंटे बोल पढ़ूं, तो जो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा बोला ना, वो तुम्हारा 2 नंबर बढ़ाएगा एग्जाम में। ये हमेशा याद रखना। इसमें कुछ नहीं करना, आपको खाली नॉलेज दिखाना है अपना पेपर में। गॉट माई पॉइंट? टॉपिक्स आपको मालूम है, राइट? द काइंड ऑफ डिस्कशन विच वी विल गो ना। अभी मैं स्टार्टिंग में इमेज चेंज कर रहा था, लोगों को लग रहा था कि बचपना कर रहा है ये, बट अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ा ठीक है, चाय भी रखा है एंड बिस्किट भी है, ठीक है ना? इसको, इमेज को मत देखो। जो इतना नॉलेज, जितना आप लोग गेन करेंगे ना इस पेपर में, उतना अच्छा लिख पाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 40 नंबर अपना एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू भी क्या है, किसी को भी राइट आंसर नहीं मालूम होगा, ऐसा एमसीक्यू आता है एग्जाम में, राइट? हम लोग कैसे करेंगे, एलिमिनेशन ऑप्शन से जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही होगा बस। सही आंसर किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम सही आंसर। मैं तो देखूंगा कि ये नहीं हो सकता, अकॉर्डिंगली आई विल एंड अप चूजिंग द राइट ऑप्शन। बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं 20 20 नंबर का, लास्ट ईयर उसमें थ्योरी क्वेश्चन आया था, बच्चा लोग घबरा गया 20 नंबर में क्या लिखेंगे, राइट? जनरली कोई डब्ल्यूबी बोर्ड का होता है ना, बंगाल बोर्ड, जो हमारा स्टेट बोर्ड है, राइट? हम लोग कोलकाता से हैं, तो बंगाल बोर्ड में बच्चों की हैबिट होती है भर भर के लिखना। वहां जितना पन्ना लिखेंगे आपको उतना नंबर मिलता है। पहले तो 6 6 घंटे का एग्जाम होता था, लेकिन आईएससी सीबीएसई वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है, वो लोग लंबा नहीं लिख पाते। वो लोग लिखते अच्छा, बट लंबा नहीं लिख पाते। तो जो जितना ज्यादा लिखता था ना, उसको नंबर उतना ज्यादा मिलता था। तो 20 नंबर का सवाल में भी आपको बहुत सोच लिखना है। 20 मार्क्स का थ्योरी आ जाएगा तो फिर तो भैया हो गया, खत्म कहानी वहीं पे। तो इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, जितना आप लिख पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए, राइट? सो बुक तो रीड करना ही है सबको, बिना बुक रीड किए नहीं होगा। मैंने जो पढ़ाया, जो भी मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए, वो तो देखना ही है, प्लस बुक भी आपको पूरा रीड करना है। बुक रीड कर लोगे बस हो जाएगा, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा जरूरी नहीं है क्लास में अगर मैंने बोल दिया इस टॉपिक को रीड कर लो, दैट डजेंट मीन यू विल स्किप दिस टॉपिक। उसको आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, राइट? चलिए, सो अल्टीमेटली हम लोगों को इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को देना है। रॉ फिगर्स अगर उनको दे देंगे तो उनको वो समझ में नहीं आएगा, उनको एनालिसिस करके दो, सो दैट दे कैन इंटरप्रेट वेल एंड अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू पे। जितना झमेला हो रहा है ना,
सारा इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को देना है एंड दे वांट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप और नॉट, राइट? आइए, सो उसके लिए अपन को रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा दो वेरिएबल्स का। इंडियन कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013, यूके का भी नेशनल कंपनी लॉ है, हमारा इंडिया का जो कंपनी लॉ है उसमें मैंडेटरी कर दिया 9 रेशियो आपको बताना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को, मिनिमम 9 रेशियोज यू हैव टू कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर्स। लिक्विडिटी रेशियो, करेंट रेशियो, जिन्होंने प्लस टू में कॉमर्स किया उनको मालूम होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट, देर आर सम एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, ऐसे कर करके आपको। अच्छा, जिन्होंने भी चैप्टर 9 किया है रिकॉर्डेड वीडियोस को देखकर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, वो भी एक टाइप का रेशियो है। गॉट माय पॉइंट? बचपन से मैम बताइए लिक्विडिटी रेशियो के लिए करंट रेशियो निकालना पड़ता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर? रेशियो एनालिसिस करने से यू कैन गिव अ मीनिंगफुल डिटेल कि भैया इसका मतलब ये है। अच्छा, खाली निकाल देने से नहीं होगा, ये जो मैं निकालूंगा ना, ये जो मैं निकालूंगा इसको पहले मैं अपना पास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा, मेरा अपना पुराना साल, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे शर्मा जी का लड़का के साथ, मतलब कॉम्पिटिटर, और हम लोग अभी क्या है अकाउंटिंग में यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाने का वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो एक कहाँ पैटर्न बदल, एग्जाम पैटर्न बताए तो ठीक है। मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ रहे हैं, IFRS है, हम इंडिया वालों लोगों ने भी IFRS के साथ कन्वर्ज बनाया इंड एस, राइट? सो कॉम्पिटिटर नॉट ओनली आस पड़ोस वाला, इंटरनेशनल ऑल्सो वी कैन कंपेयर नाउ बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मोर ऑर लेस यूनिफॉर्म। अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होगा तो यू नीड टू एडजस्ट, यू नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स एंड देन ओनली यू कैन कंप्यूट द रेशियोज, राइट? सो व्हाट एवर रेशियोज वी कैलकुलेट यू हैव टू फर्स्ट कंपेयर विद पास्ट ईयर, देन यू कैन कंपेयर विद योर कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री टू विच यू बिलोंग, जिस चीज का इंडस्ट्री, आयरन स्टील सेक्टर, केमिकल आपका जो है, एंड नंबर 4 इकोनॉमी, राइट? फर्स्ट डे आई विल गिव यू द फुल सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। जैसे अगर मैं देखूं ये चैप्टर 13, 14, 15 से रिलेटेड 5 से 6 क्लास है, मास्टर क्लास है, तो पहला दिन तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, फिर हम लोग सेकेंड डे वी विल गो फॉर द जो क्वेश्चन आए पास्ट ईयर क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे, राइट? इस तरीके से विल मूव ऑन। सो बेसिकली प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, खाली प्रॉफिट को देख के कोई नहीं बता पाएगा कौन सा बढ़िया है। नाउ कैपिटल अगर मैं बताऊं, यहां पे 50 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, और इधर में हमने 10 करोड़ का कैपिटल लगाया है, राइट? अब बताइए कौन सा बढ़िया विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, बी इज बेटर बिकॉज ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको अपने बोलते हैं ROCE, क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? सो बेसिकली इट इज प्रॉफिट बाय कैपिटल, कितना आ रहा है इसका, आएगा 5/50, 10%, और इधर आ रहा है 2/10, इंटू 100 तो करते ही अपने 20%,
प्रवीण भैया हमको मैसेज क्या बोलता है, एग्जाम पैटर्न में पढ़ा, एग्जाम पैटर्न में पढ़ा रहा हूं मैं आपको बताता हूं, ये जो भी है ना आपको 5 नंबर का थ्योरी आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। ये हो गया तो सबको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, सेल्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए इसका सेल है 100 CR, ए का सेल, और इसका सेल है 10 CR, ठीक है। नाउ टेल मी किसका एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा है, ए का 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बंदा 100 करोड़ का सेल कर लिया, मतलब पैसा को कितनी बार घुमाया, 2 बार, लेकिन ये वाला बंदा 10 करोड़ का कैपिटल लगा के खाली 10 करोड़ का ही सेल कर पाया, मतलब कितनी बार घुमाया, 1 बार। He is only able to rotate capital once, but whereas company A is able to rotate capital twice, but फिर भी B अच्छा है, फिर भी B अच्छा है दोस्त। कैसे? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ये अच्छा से अपना प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बोलते हैं ना, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज कंपेयर्ड टू A कम है। बड़ी कंपनी कौन सी हुई? ए। बट अगर मैं लॉजिक से जाऊं, इकोनॉमिक्स का लॉजिक लगाऊं, थोड़ा सा CB2 का नॉलेज मेरे को भी है, अगर मैं इसमें इकोनॉमिक्स को लॉजिक लगाऊं, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, एंजॉय लार्जर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। इसका मतलब ए यहीं पे लैग कर रहा है, ए को अपना प्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। डिस्पाइट हैविंग गुड एसेट यूटिलाइजेशन, गुड टर्नओवर रेशियो, राइट, पैसे का अच्छा रोटेशन, जितना पैसा घुमा पाएंगे ना, व्हेन जब भी एक साइकिल घूमता है, एक डोज डोज ऑफ प्रॉफिट गेट्स एडेड, व्हेन एवर अ साइकिल रोटेट्स एक प्रॉफिट ऐड होगा। 100 mm खरीदा, 150 में चिपकाया, 50 का प्रॉफिट आया ना, फिर अगले साल धंधा करूंगा 150 से अगला साइकिल के लिए, फिर वो 150 में कमाऊंगा, 200 आया, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप साइकिल घुमाते जा रहे हैं, आपका पॉकेट में पैसा आते जा रहा है, द मनी इज कीपिंग ऑन फ्लोइंग, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो आई कैन मेक अ रिलेशनशिप, ROCE इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन रेशियो इनटू प्रॉफिट मार्जिन। यूटिलाइजेशन हो गया टर्नओवर बाय कैपिटल, टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन हो गया प्रॉफिट बाय टर्नओवर। तो अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर टर्नओवर कट गया, तो प्रॉफिट बाय कैपिटल आ गया ना भैया। तो इफ आई डू को फॉर कंपनी ए 100 CR बाय 50 CR इनटू 5 CR बाय 100 CR,
एंड इफ आई डू फॉर कंपनी बी 10 CR बाई 10 CR, बट यहां पे 2 CR बाई 10 CR. तो ये हो गया 2 × 5%, दैट इज 10% आ गया. और इधर आएगा 1 × 20, सो दैट इज 20%. तो बी अपना अगर एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा कर ले तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज्यादा आएगा. सो ये सब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, शेयर होल्डर को समझ में आएगा. या ए अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा कम करे तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा. यही सब नॉलेज आपको यूज करके एग्जाम में लिखना, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मेरे को भी नहीं मालूम. अगर मेरे को मालूम रहता तो मैं वही करवा देता. 20 क्लास के बदले में एक क्लास में गेम ओवर, राइट? तो ये जो भी नॉलेज आपको मिला ना, इट विल हेल्प इन राइटिंग सम और द अदर आंसर. एसेट यूटिलाइजेशन में चक्का घूमना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो होना चाहिए. इफ आई गो विथ इकोनॉमिक्स, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना कम होता है. लार्जर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में आप मूव करते हैं, बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है. जिसका वॉल्यूम कम है वो सस्ता बना पा रहा है. सर मालूम है वो घर से काम कर रहा है इसीलिए वो सस्ता बना पा रहा है, क्योंकि घर से काम कर रहा है मतलब उसका ओवरहेड कॉस्ट नहीं लग रहा. ये भी बहुत बड़ा रोल है. तो आंसर का जो क्वेश्चन का जो रूप होता है ना, उसको समझना है हम लोगों को और उसी हिसाब से फिर आंसर करना है. समझ में आ गया? सो हम लोग ये काफी सारा रेशियोज के बारे में बात किया. वी टॉक्ड अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? एग्जैक्टली कैपिटल का क्या डेफिनेशन है ये हम लोग बुक में देख लेंगे बाद में, राइट? बेसिकली इट इज इक्विटी प्लस डिवेंचर होल्डर. इट इज इक्विटी प्लस डिवेंचर होल्डर, इक्विटी प्लस डिवेंचर. एसी कैसे बंद हो, गर्मी लगेगा भाई. तुम थोड़ा एक बेंच पीछे चला जा. राइट? सो द वर्ड कैपिटल मींस इक्विटी प्लस डिवेंचर होल्डर. एंड यहां पे प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ऑनलाइन इज इट फाइन एवरीवन? यस सर. ओके. सेल्स को ही टर्नओवर बोला जाता है. सो दिस इज ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. सर हाँ बोलो. टर्नओवर सेल्स ही हुआ या सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हुआ? ऑब्वियसली नेट सेल्स तो लेंगे ना अपने. नहीं वही पूछ रहा था. हाँ सेल्स मतलब नेट सेल्स, टर्नओवर मतलब नेट सेल्स. ठीक है. ठीक है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसेट टर्नओवर, एसेट यूटिलाइजेशन इनटू प्रॉफिट मार्जिन. इज इट ओके? सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में तेरा बहुत सारा रेशियोज के बारे में बात होगा. अब जैसे मैं इस लेंडर के बारे में बात करता हूँ, ये जो है ना लेंडर, इसको भी कुछ कुछ रेशियोज चाहिए अपने साथ. ये क्या बोलता है मालूम है? व्हाट ही सेज, ये बोलता है वेयर इज माय प्रोटेक्शन. देर आर सम रेशियोज विच आर इंपॉर्टेंट टू द लेंडर्स. देर आर सम रेशियोज स्पेसिफिकली अपने को लेंडर को बताना पड़ता है. एक हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. रेशियोज इंपॉर्टेंट टू लेंडर्स.
वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अनदर वन इज एसेट कवरेज. राइट, अगर मैं आपको बताऊं इंटरेस्ट कवरेज क्या होता है, ठीक है, ये दो इंसान है, ये प्रॉफिट होता है, दिस अम्ब्रेला एंड देर इज हेवी रेनफॉल इन द सिटी. दो भाई घर की ओर जा रहे, विच ये ए है एंड ये बी है. ये ए और ये बी, राइट. नाउ हु इज प्रोटेक्टेड वेल, हु इज प्रोटेक्टेड वेल, ए और बी? ए इज प्रोटेक्टेड वेल बिकॉज एज कंपेयर टू द अम्ब्रेला साइज उसका साइज ठीक है, बट एज कंपेयर टू द अम्ब्रेला साइज बी का साइज ठीक नहीं है. कहने का मतलब है if I have a profit of 1 lakh, here I have interest of 20k and here I have interest of 50k. So interest coverage is basically profit by interest, right? So isko 5 times coverage mil raha hai, matlab yahan pe sales बहुत ज्यादा गिरेगा तब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. मतलब यहां पे डिफॉल्ट रिस्क बहुत दूर है, राइट. इधर में यहां पे कवरेज इज ओनली 2 times, यहां पे डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा दूर नहीं है. So A is well protected. A, in case of A, protection to the lender is more. दोनों जन बैंक गया पैसा मांगने के लिए, दोनों जन बैंक गया पैसा मांगने के लिए, राइट. बैंक किसको पैसा देगा? A को देगा, B को मिलेगा ही नहीं. और ऑलरेडी यू आर हाई इंडेटेड, राइट. Are you getting my point? So now, जिसका इंटरेस्ट कवरेज बेटर है, he is in a position to get more finance from the bank as compared to profit. मेरा इंटरेस्ट इज ओनली 20, दोनों में मैं इंटरेस्ट लेंडर को दे पाऊंगा, अभी भी मेरा डिफॉल्ट रिस्क आया नहीं है. बट कौन ज्यादा प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा है? लेंडर्स ऑफ ए, नॉट बी. बी अगर और लोन लेने जाएगा उसको नहीं मिलेगा, बोलो ऑलरेडी यू आर हाई इंडेटेड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर फाइनेंस फ्रॉम द बैंक. हर कंट्री का एक नियम होता है, उसके हिसाब से आप लोन दे सकते हैं, राइट. गॉट माई पॉइंट? सो ए अगर चाहे तो ए लोन ले सकता है, बी को जनरली नहीं मिलेगा. We won't get it. We go, अब इंटरेस्ट अब और लोन नहीं मिलेगा बैंक से, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज इज ओनली 2 times. जितना बेटर कवरेज होगा बंदा उतना सेफ महसूस करेगा अपने आप को, राइट. तो इधर में ए के केस में डिफॉल्ट रिस्क दूर दूर तक नहीं है, बी के केस में प्रॉफिट 10,000-20,000 कम हो गया, राइट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कम हो जाएगा, राइट. सो डिफॉल्ट रिस्क विल इंक्रीज. इज इट फाइन? हाँ,
अब एक चीज सोचो, दोनों का प्रॉफिट सेम है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट अलाइड कंपनीज है, दोनों में कैपिटल भी सेम है, राइट? बी ऐसा क्यों किया मालूम है? अगर आप डेब्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन में फंड्स रेस करते हैं ना मार्केट से, अगर आपका डेब्ट कंटेंट है तो यू आर कॉल्ड एज लीवर्ड फर्म, और अगर आप पे डेब्ट कंटेंट नहीं है तो आपको बोला जाएगा अनलीवर्ड फर्म। लोग डेब्ट क्यों लेते हैं मालूम है? जिससे कि वो अपना शेयर होल्डर का रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। दे टेक डेब्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आई जस्ट शो यू, हमारा केस क्या था? प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, राइट? लेट अस टेक 3 केसेस, ए बी एंड सी, एंड कैपिटल इज सपोज 5 लाख। ए बोलता है ओनली इक्विटी, ये बोला इक्विटी 20, राइट? सॉरी, इक्विटी 80, डेट 20, ठीक है? ये बोल रहा है इक्विटी 50, डेट 50। तो ये हो गया अनलीवर्ड फर्म, और ये हो गया लीवर्ड, ये भी लीवर्ड हो गया, इसको भी अपन लीवर्ड बोलेंगे। इज इट फाइन? अच्छा, इंटरेस्ट रेट लेट अस अज्यूम 10%, राइट? अच्छा, दिस प्रॉफिट इज नथिंग बट दिस इज ईबीआईटी। ये जो प्रॉफिट है ना, इसको अपन ईबीआईटी बोलेंगे। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। कितना है? 20%। माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच? 20%। साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर? यस सर। ओके, सो दिस इज माय ईबीआईटी इन ऑल द केसेस, अलाइक कंपनीज। लेस इंटरेस्ट या नील है, इधर 20% इज डेप्ट, तो 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख का 10%, 10,000। और इधर 50% डेप्ट है, मतलब 5 लाख का 50% 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 10% 25,000। 25,000। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 1,90,000, 75। लेट अस अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स इज 20%। एक बार अज्यूम करते हैं, तो 20,000 आया, 18,000 आया, 15,000 15,000 आया। सो व्हाट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स? 80,000, 80,000, 72,000, 72,000, 60,000। 60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर,
इधर में पूरा 5 लाख इक्विटी मतलब 50,000 शेयर्स आया ना, अच्छा इधर में 4 लाख इक्विटी मतलब 40,000 40,000 शेयर्स, आया ना, और इधर में 25,000 शेयर। इक्विटी पोर्शन को डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू कर दिया, 10 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू माने एक शेयर का मैंने, एंड एवरीवन नोज अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 1.6, 1.8, एंड हियर 2.4। तो देखा जाए तो बी अपने जगह गलत नहीं है, उसने ज्यादा डेप्ट फाइनेंसिंग लिया है, लेकिन ज्यादा डेप्ट फाइनेंसिंग का डाउनसाइड भी है, कल को आप नहीं कमा पाए तो आप डिफॉल्ट रिस्क के नजदीक हैं। कौन सा शेयर होल्डर इस चीज को पसंद नहीं करेगा? वो तो बोलेगा 50 क्यों, 20% इक्विटी रखो, 80% डिवेंचर लो, सर पे इक्विटी मतलब सर पे कफन बांधा हुआ आदमी। स्टॉक मार्केट में वही पैसा खोता है जो डर के खेलता है, जिसके पास, किसी का माइक ऑन है, सनी गोयल, जिसके पास रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं है। कल हमको 20,000 रुपया चाहिए, मेरे पास 15,000 रुपया है, मैं मार्केट में लेके चला गया, सोचा 15 का 20 होगा, 15 का 0 हो जाएगा ब्रो। मार्केट टेक्स टाइम, मार्केट अपना परफॉर्म करता है, देयर इज अ मैच्योरिटी विच नीड यू टू सेट। मार्केट अपने हिसाब से बढ़ेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं बढ़ेगा कि तुमने 15 लगाया कल 20 हो जाएगा, उसी चक्कर में तो नुकसान हो जाता है आदमी को। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एवरीवन नोज कि डाउनसाइड भी है इसका। अगर मैं इंटरेस्ट कवरेज की बात करूं, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट 10 टाइम्स कवरेज, देखो पहला वाला केस में, सॉरी सेकंड वाला, पहला में तो इंटरेस्ट 0 यहां डिफाइंड हो जाएगा, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट यहां पे 10 टाइम्स कवरेज है, 10 टाइम्स, इधर 4 टाइम्स। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को पसंद नहीं आएगा ये, लेकिन इसका डाउनसाइड भी है। ये मॉडल तभी काम करेगा जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा, लीवर देखे हो, लीवर, लीवर का काम क्या होता है? छोटा सा एफर्ट तुम डालते हो, हैवी गुड्स व्हीकल को लिफ्ट करने में मदद करता है। हॉस्पिटल में मरीज लेटा हुआ है, उसके बेड के साइड में वो लीवर होता है। कभी देखे हो किसी आदमी को दूसरे आदमी को ऐसे एक हाथ से उठाते हुए? संभव नहीं है, बट इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ लीवर। वो ऐसे हल्का सा इसको घुमाता है, पेशेंट खड़ा हो जाता है। पूरा 180 डिग्री में सोया हुआ था, 130-140 में आ जाएगा वो, ज्यादा घुमा दोगे पूरा 90 डिग्री में आ जाएगा। ऐसा होता है ना, मान लो अगर वो लीवर काम ना करे तो बहुत जोर का झटका लगेगा। वही चीज है, सब कुछ अच्छा है,
सब अच्छा अगर प्रॉफिट अच्छा तो, धंधा ही नहीं है नुकसान है, सारा डिसीजन लिया हुआ तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इफ प्रॉफिट इज पॉजिटिव इट इज मीटिंग योर एक्सपेंसेस ऑल रेशियोज विल बी ग्रीन 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 एंड एवरीवन वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद यू। अगर नंबर्स आर बैड यू आर गॉन राइट। तो ये लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म में डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में। लीवर्ड फर्म से शेयर होल्डर को फायदा होता है और वो तभी होगा जब रेट ऑफ अर्निंग्स ऑन कैपिटल इज लेस इज मोर देन व्हाट यू हैव टू पे टू द डिबेंचर होल्डर। इट इज बिकॉज ऑफ डिबेंचर्स इन शेयर होल्डर्स को 1.8 का अर्निंग्स मिल रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ मोर डिबेंचर होल्डर्स इन शेयर होल्डर्स को 2.4 का अर्निंग्स मिल रहा है। इट मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्ट कंटेंट इन कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्ट कंटेंट इन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस एंड दिस इज ओनली पॉसिबल फाइनेंशियल लीवरेज इज वर्किंग प्रॉपरली। फाइनेंशियल लेवरेज काम कर रहा है भैया, मेरी भाषा में तो मैं यही बोलूंगा कि फाइनेंशियल लेवरेज काम कर रहा है। अगर फाइनेंशियल लेवरेज काम ना कर रहा होता तो ये सब बेकार है, ये सारी बातें बेकार हैं। डिवेंचर होल्डर से नफरत हो जाएगा तुमको। इज इट फाइन? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और द गियरिंग इफेक्ट। इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और गियरिंग इफेक्ट। ठीक है, इज इट फाइन? सो डेप्ट होना अच्छा बात है, बट इसका डाउनसाइड भी, अगर आप इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं कमा पा रहे, द रेट एट विच यू आर अर्निंग हैज टू बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आप लोगों को बेसिक फंडा है, सबको मालूम है राइट। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट, वेर एज एसेट कवरेज रेशियो, कल अगर हम कंपनी को बंद कर दें तो यू नो दैट लोन लेंडर्स हैज टू बी पेड फर्स्ट, वाइंडिंग अप में सबसे पहले इनका बारी आएगा। सो दे वांट टू नो द एसेट कवर आल्सो, कि कल को अगर कंपनी सच में डिफॉल्ट कर गई तो इनकम कवर तो है ही, साथ में मेरे को एसेट कवर भी मांगता है राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, एसेट बाय डेट, टोटल एसेट जितना आपके पास है डिवाइडेड बाय डेट। ये सबका मीनिंग आपको बुक में मिलेगा, मैं खाली अगर रॉ लैंग्वेज में आपको पूरा बता दे रहा हूं। एसेट बाय डेट, टोटल एसेट अवेलेबल माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय डेट राइट। सो दीज आर द टू रेशियोज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द लेंडर्स राइट। तो यहां पे प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट बोलो तो, ईबीआईटी इंटरेस्ट
सिंपल है। हाँ ठीक है, इज इट ओके? नाउ देयर इज प्रायोरिटी इंटरेस्ट ऑल्सो। जैसे जो इंटरेस्ट कवर होता है ना, ये प्रायोरिटी बेसिस पे भी निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करिए प्रॉफिट आपका 1 लाख है, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर होल्डर ना। पहले मैंने आपसे पहले पैसे उठा लिए, अब मैं दूसरे किसी से लूंगा तो वो सेकंड डिवेंचर हो गया, क्योंकि वाइंडिंग अप में भी अगर 4-5 लोन लेंडर्स हैं तो किसको पहले मिलेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट, सो प्रॉफिट इज 1 लाख, आई हैव 10% सपोज करो सिक्योर डिवेंचर्स, ठीक है, 10% सिक्योर डिवेंचर 2 लाख, और 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर 2 लाख, एंड बोला इंटरेस्ट कवरेज इसे निकालो प्रायोरिटी बेसिस पे। तो पहले हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर का निकालेंगे इंटरेस्ट कवरेज, राइट? सो दैट्स EBIT बाई इंटरेस्ट, सबको मालूम है, क्लियर? 1 लाख का EBIT है, इंटरेस्ट कितना बोलो? कितना? ट्वेंटी 20,000। हाउ मच इज इट? 5 टाइम्स। ये मेरा HD का है, सिक्योर डिबेंचर का है। इसी प्रकार मैं निकालूंगा इंटरेस्ट कवर किसका बोलो तो? हाँ, अनसिक्योर्ड वाले का। प्लस ऑल प्रायर रैंक डिवेंचर, मतलब करेंट वाले का तो इंटरेस्ट लेना ही है, सिक्योर डिवेंचर का तो मतलब ही नहीं। आप अनसिक्योर को क्या ब्याज दे रहे, हमको क्या मतलब है? अगर तुम्हारा ताकत है तो तुम मेरे को बिना दिए अनसिक्योर को देके दिखाओ। प्रॉफिट पे पहला हक हमारा है, सिक्योर्ड है, उसके बाद अनसिक्योर्ड की बारी आएगी ना भैया। तो इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड को दे रहे हैं 24, 2 लाख का 12%। अनसिक्योर्ड को इंटरेस्ट दे रहे हैं 24, प्लस प्रायर रैंकिंग का इंटरेस्ट कितना है? 20। तो ये आएगा हमारा 1 लाख बाई 44, कितना आ रहा है? दो दो डेसिमल तक। हाँ, 2.27 टू पॉइंट 27 टू सेवन टाइम्स। तो देखो हमारा कवरेज कम है ना एज कंपेयर टू सिक्योर्ड, माई इंटरेस्ट कवरेज इज लेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे निकालेंगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं, राइट? वो बैलेंस शीट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि
ये एसेट का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जानी है, ठीक है। तो यहां पे नॉन करंट एसेट होता है। अच्छा, नॉन करेंट एसेट में दो चीज होता है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। इधर करेंट एसेट होता है, यहां शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसको मिला के आएगा हमारा इक्विटी। इधर में होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब डिबेंचर, और इधर में होता है हमारा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने अलग अलग आपको चीजें बतानी है। अगर मैं आपको बोलूं टोटल एसेट, तो आप क्या बोलेंगे? नॉन करंट प्लस करंट। अगर मैं आपको बोलूं टोटल लाइबिलिटी, तो इक्विटी प्लस नॉन करेंट प्लस करेंट। मैंने टी फॉर्मेट में बनाया, बट आपके एग्जाम में वर्टिकल है, याद है ना? नॉन करेंट करेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद इक्विटी। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में दो टाइप का होता है, एक होता है ओसीआई और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। सभी को मालूम है ये सब, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग। हमारा, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूं, इसको हम एसेट अप्रोच से निकालें चाहे लाइबिलिटी अप्रोच से निकालें, हमारा सवाल का जवाब सेम आएगा। ये हो गया हमारा एसेट अप्रोच, इधर हो गया हमारा लाइबिलिटी अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? डेब्ट प्लस इक्विटी, मतलब बेसिकली इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन दोस्त, ये जो इंटेंजिबल एसेट है ना, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। हमने पेटेंट करवाया, भैया आपको पेटेंट मिला है, इसको आप बेच कैसे सकते हैं, समझाइए ना। आपका लाइसेंस पीरियड है ये, तो जनरली इसकी रीसेल वैल्यू जीरो होती है, जीरो जीरो जीरो। इसको एक टाइप का लॉस ट्रीट किया जाएगा। तो जब हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, या अगर मैं खाली एसेट बोलूं तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड ही समझना। तो लाइबिलिटी अप्रोच से करूंगा तो क्या आएगा? इक्विटी प्लस डिबेंचर नॉन करेंट माइनस इंटेंजिबल एसेट। आया ना? दो दो नंबर का एमसीक्यू आएगा ये सबसे, दो दो नंबर का। कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करेंगे? ठीक है,
अब अगर मैं एसेट अप्रोच से जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी आया ना, लेकिन इस नॉन करेंट एसेट में तो ये लिया हुआ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है मैं इसको दो तीन तरीके से लिख सकता हूं, आप देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। टोटल एसेट मेरा नॉन करेंट करेंट दोनों आ गया, माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस इनटेंजिबल, क्योंकि इसको तो रियलाइजेबल वैल्यू होती ही नहीं है, और टेंजिबल नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। मैंने नॉन करेंट में ही टेंजिबल वाला खाली लिया, इनटेंजिबल वाला लिया ही नहीं। फिगर्स क्या दिया हुआ है थोड़ा सा सोचने का है अपन को। सीधी सी बात है, मैं अगर अब बैलेंस शीट बनवा दूं, ये लो मेरी बैलेंस शीट, इधर आएगा इक्विटी, इधर आएगा नॉन करेंट, और इधर आएगा इनटेंजिबल नेगेटिव में, उसको मैंने इधर ले आया, इधर आएगा टेंजिबल नॉन करेंट, करेंट एसेट और करंट लायबिलिटी नेगेटिव। देखो उधर का इधर लिया, इधर का उधर ले गया, अब आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे वहां जाकर मुझको गाली देंगे, बोलेंगे ये तो बोलता है डेप्ट मतलब खाली नॉन करेंट, लेकिन काफी सारी कंपनी का रेशियो निकालते वो लोग नीचे एजम्पशन ले लेता है डेप्ट मतलब करेंट नॉन करेंट दोनों, माई इंटेंजिबल एसेट इज वैल्यूएबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सिचुएशन टू सिचुएशन आप देखेंगे रेशियो का मीनिंग, जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, जो अजम्पशंस होते हैं, वो बदल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है उसमें, बट लॉजिक होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। ये मेरे को हाईली सेंसिबल लग रहा है, इंटेंजिबल एसेट का रीसेल वैल्यू होता नहीं है, तो एक टाइप का इसको लॉस ही समझो। हाँ जितना दिन ये है आपके साथ आपको कमा के दे रहा बात अलग है, बट अल्टीमेटली इसकी रीसेल वैल्यू जीरो भैया, इसको अपन लॉस ही मानेंगे। हाँ क्या चीज, हाँ वो अगर हम सॉफ्टवेयर किसी को बेच सकते तो बढ़िया बात है, लेकिन सामने वाले के लिए अगर वो नॉन यूजेबल बन जाए, ये अगर यूज करूंगा तो मैं ही कर सकता हूं तब बात है, अगर और किसी के लिए यूजेबल नहीं तो उसकी रीसेल वैल्यू तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गई ना, राइट। रियल लाइफ में हम टेक्निकलिटीज हमको मालूम रहेगा, बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क, but exam paper man not the person what the examiner has thought, so I have to go by the book, right। तो ये मैंने अब दोबारा नहीं बताना कहीं पर भी, अगर खाली इक्विटी बोलेगा तो सबको समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, एसेट का मतलब क्या है, तो एसेट का मतलब ये वाला देखो यहाँ पे एसेट कवर वाला ये, और ये जो डेप्ट है मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एसेट का मतलब मैंने बता दिया आपको, अभी कोई भी अप्रोच से आप देख लो, राइट। अब अगर आपको बोलता है शेयर होल्डर इक्विटी
खाली शेयर होल्डर का बताओ भैया, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इंटेंजिबल, क्योंकि लॉस है ना, सारा लॉस तो शेयर होल्डर बियर करता है। शेयर होल्डर इक्विटी बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोला। और टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट माइनस एसेट अप्रोच से अगर जाऊं तो ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है कि शेयर होल्डर इक्विटी बोला, ध्यान से देख लीजिएगा। इज इट ओके एवरीवन? आई थिंक एब्सोल्यूट देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। दिस इज द ओरिजिनल बैलेंस शीट, खाली पहला इसी का है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट बोला है वहां वहां ये फॉर्मूला यूज होगा, और इंटेंजिबल एसेट हर जगह माइनस होगा। राइट, क्लियर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल का मतलब ये है, एसेट कवर में भी कैपिटल का मतलब ये है, समझ गया ना मेरा बात? एसेट यूटिलाइजेशन में भी एसेट का मतलब ये है, हर जगह यही वाला है। इज इट ओके? अच्छा, अब क्योंकि मैंने बैलेंस शीट बताया, ये भी मैंने आपको एक चीज दिखाया था, याद है ये वाला है, देखो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो, लीवर्ड अनलीवर्ड, इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो। राइट, तो ये दो तरीके से निकाला जाता है। कोई भी रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टू वेज, एक होता है इक्विटी बाय डेट, एक होता है डेट बाय इक्विटी, और एक फॉर्मूला है डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट बाय शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डेट। राइट, ये आपका 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, यूके का नॉर्म्स है ये। मतलब टोटल का 50% डेप्ट है, देखो यहां, देने वाला दे दिया अलग बात है, लेकिन ये हाई रिस्क माना जाएगा। सुनो, मजा तो आ रहा है यहां, देखो बहुत मजा आ रहा है। डेप्ट घुसाते जाओ, अर्निंग बढ़ाते जाओ, टू मच ऑफ डेप्ट। जो लोग का रिस्क एपेटाइट होता है ना, वो लोग को भी डर लगता है, चेहरे पे नहीं दिखता, दिल पे हाथ रख कर देखो, समझ में आएगा हार्ट बीट किस रेट से दौड़ रहा है। टू मच ऑफ डेप्ट हो गया ना, इंडिया में स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, इंडिया में ये फॉर्मूला है। देखा ना, हर जगह मीनिंग्स होते हैं अलग अलग। इंडिया में इसका बोलता है 2:1, मतलब अगर मैं इसको इसमें कंपेयर करूं, ये फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला, इंडिया में
बहुत ज्यादा रिस्क मतलब जब रेशियो दो से ज्यादा हो। इंडिया में फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है गियरिंग के लिए, यूके में सेकंड फॉर्मूला यूज किया गया है। तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला को मैं सेकंड फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं, सो इट हैज टू बी 2/3 डेप बाय डेप प्लस इक्विटी, मतलब 66.67%। इसलिए तो हमारे यहां इतना स्कैम है, लोन पे लगाम ही नहीं है। अभी फोन करूंगा ना, पैसा अभी बैंक में डाल देगा, डॉक्यूमेंट थोड़ा साइन तक नहीं करेगा। ऐप में जाइए, प्री अप्रूव्ड लोन, क्लिक करते ही पैसा अकाउंट में, 5 मिनट्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। हमारे यहां ड्यू डिलीजेंस बोल के एक शब्द होता है, कभी किसी को लोन दोगे ना, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है। सामने वाले पे कोवेनेंस लगाओ, ये भी आएगा एग्जाम में। अगर पार्टी कोवेनेंट को फॉलो नहीं करेगा, देन द लेंडर कैन फोर्स फॉर लिक्विडेशन, कि तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना मिनिमम होना चाहिए, तुम्हारा एसेट कवर इतना मिनिमम होना चाहिए। सबको मालूम है पराया पैसा से धंधा करेंगे, अच्छा बात है, लेकिन उस अच्छा करने के चक्कर में कल को तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज अगर रिवर्स काम करने लगे, जब लीवर अटक जाता है ना दोस्त, जितना जोर लगाओ वो हैवी गुड्स व्हीकल को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। खाली नॉलेज लेना है, पढ़ना है, यही काम है, और आंसर को लिखना है। कोवेनेंट्स ब्रीच होते ही लोन नहीं मिलेगा भाई, कोवेनेंट्स अगर ब्रीच हो गया तो लोन नहीं मिलेगा। इज इट फाइन एवरीवन? तो एज पर सेकेंड फॉर्मूला मैक्सिमम डेट यू कैन बोरो 40% ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इंडिया में 66.67 और फर्स्ट फॉर्मूला से इट इज, ठीक है, समझ में आ गया सबको? राइट, चलिए। तो ये हम लोग अभी किसका किसका रेशियोज के बारे में बात किया, लेंडर्स रिलेटेड बात किया, जो भी बात किया लेंडर। ये शेयर होल्डर के लिए मिक्स्ड ब्लेसिंग है, इसका अपसाइड भी है, डाउनसाइड भी है, राइट। और डिबेंचर होल्डर लोग हमेशा कोवेनेंट लगा के देता है, भैया इसके ऊपर ना जाए, याद रखियो, इसके ऊपर गया तो बस फिर आप देख लेना, फिर तो मैं सीधा आपकी कंपनी बंद करवाऊंगा, मैं लिक्विडेशन के लिए अप्लाई करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा पैसा वापस दो, तो अल्टीमेटली यू हैव टू लिक्विडेट। लोग पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग करते थे, ये स्कैम इतना क्यों हुआ? 6,000 करोड़ का लोन ले लिया, ब्याज लेके 6,500 करोड़ हो गया, दूसरा बैंक को पटिया लिया, उससे 6,500 करोड़ का लोन लेके पहले वाले को चुका दिया, फिर अब उसका 6,500 का 7,000 करोड़ हो गया किसी और से लेके, इसको बोलते लोन रिस्ट्रक्चरिंग। छोड़ो, काफी सारा रिस्ट्रिक्शन आ गया इन सब चीजों पर, राइट। एनीवे, तो ये हमारा था, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट। काफी सारा इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को, जैसे आप लोग को मालूम है अर्निंग पर शेयर के बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, उसके बाद वी विल मूव इनटू अदर रेशियोज जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ में आया ना, तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, रेशियो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट्स अ रिलेटिव मेजर, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन। चक्का पे भी काम करना पड़ेगा और
ये चक्का पे जो काम करना पड़ेगा ना, चैप्टर 16 में वर्किंग कैपिटल है। चक्का पे कैसे काम कर सकते हो? चक्का घुमाना है ना, जितना ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मेरे को चक्का घुमाने में, मैं लिंक कर रहा हूं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को, अब मेरे को चक्का घुमाने में 20 दिन लगता था एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अब मेरे को उसको 10 दिन में लाना है, तो अब मेरा ऑटोमेटिकली साल में 30 से ज्यादा रोटेशंस होंगे, तो मैं 20 को 30 में कैसे लेके आऊंगा? आई विल इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन टाइम पीरियड कम हो जाएगा, उसके बाद मैं अग्रेसिव सेल्स में आऊंगा, डिस्काउंट ऑफर लेके आऊंगा, टारगेट बेस्ड इंसेंटिव लेके आऊंगा, उसके बाद माल बिक गया तो माल बेचने के बाद मैं फैक्टरिंग करवा लूंगा अपने डेटर का। फैक्टरिंग होता है आप अपने डेटर बाजार में बेच सकते हैं, या मैं अर्ली कलेक्शन के लिए डिस्काउंट ऑफर करूंगा 2/10 net 30। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल कलेक्शन पे 30 डेज का है, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा प्रोवाइडेड यू पे मी विद इन 10 डेज। इस तरीके से मैं चक्के का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर सकता हूं। ये आप लोग चैप्टर 16 में करेंगे वर्किंग कैपिटल में, हाउ कैन यू रिड्यूस द ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन। तो ये हमने एसेट यूटिलाइजेशन का बात किया और प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद हमने लेंडर से रिलेटेड रेशियोज का बात किया, देन आई टॉक टू यू अबाउट इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग, राइट? ये तभी अच्छा है शेयर होल्डर के लिए जब फाइनेंशियल लेवरेज इज वर्किंग फेवरेबल, लेवरेज ठीक से काम कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी गियरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। देन मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट का मीनिंग बता दिया, राइट? चलिए अब हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। अभी जो मैं अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूं, ये बीईपीएस की बात कर रहा हूं, बेसिक अर्निंग पर शेयर। इसके बाद मैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की भी बात करूंगा। ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरेटर। एवरीवन नोज ईबीआईटी। सपोज ईबीआईटी इज 1 lakh, राइट? इसमें से मैंने क्या देना है पहले? इंटरेस्ट। सपोज मैंने 20,000 दे दिया, ये मैं आर्बिट्री फिगर्स ले रहा हूं, हमारा आ गया ईबीटी 80,000। इसके बाद मैंने क्या देना है? टैक्स मान लो 25%। कितना आया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स? 60,000। अभी हमारे यहां प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं थोड़े बहुत, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, दे गेट प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी, तो उनको भी डिविडेंड देना पड़ता है, फिक्स रेट होता है उनका, उसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं। तो ये जो आया ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है ना?
हेलो, यस ये सर, सब दो जन को, तीन जन को ही समझ में आ रहे हैं, यस सर, और चार जन, यस पांच, यस छः, यस सात, सर, सात आठ, यस सर, नौ, यस सर, दस, ग्यारह, बस 11 को ही समझ में है, बाकी को नहीं आया। वेरी गुड, बाकी है ही नहीं, सब ऑन करके चला गया। वेरी गुड विशाखा, तुम तो आने वाली थी। अच्छा, किसी का माइक काम नहीं कर रहा, उसने चल लेट हो गया तो निकलने में, इसीलिए नेक्स्ट ओके, ऑफलाइन नो चाहिए। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा बुक रखा है यहीं पे, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या अर्निंग है ये बताओ पहले तो। अब अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, इसका मतलब क्या मैं बताता हूं दोस्त। मान लो जनवरी में अपने पास ओपनिंग शेयर्स हैं 10,000, अभी हमने जुलाई में फ्रेश इश्यू कर दिया और 10,000, ठीक है, तो टोटल शेयर कितने हो गए भाई, 20,000 शेयर। हाँ, तो व्हाट इज माय अर्निंग पर शेयर भाई, अर्निंग टू पॉइंट फाइव 50,000 बाई 20,000 आया ना, ईपीएस का मतलब होता है द रेट ऑफ अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, स्पीड ऑफ अर्निंग। भैया इसका पैसा तो जुलाई में आया, इसका पैसा धंधा में 6 महीना इन्वेस्टेड था, पूरा साल का अर्निंग ले जाएगा भाई, बोलो ना भाई, पूरा साल का दे दोगे इन लोगों को, तब तो मैं ना 31 दिसंबर को साल खत्म होगा, मैंने पैसे लगाने हैं 25 दिसंबर, एक हफ्ते पहले, और कंपनी मेरे को पूरे साल का मुनाफा दे देगी। हाँ, ऐसा होता है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, जनवरी वाला जो है ओपनिंग वाला, इसका 10,000 इंटू 12 बाई 12, तो 10,000 शेयर्स होगा ये, और जुलाई वाला जो फ्रेश इशू है इसका 10,000 इंटू 6 बाई 12, दैट इज 5,000, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 15,000 शेयर, इसी को बोलते हैं डब्ल्यू ए ओ एस, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। सो नाउ अर्निंग पर शेयर 50,000 बाय 15,000 कितना आ रहा भाई, 3.33 3.33 पर शेयर। ठीक है,
Is it fine? चलिए हम लोग बात करेंगे डीईपीएस का. सपोज द अबव डिबेंचर्स आर, ऊपर वाला जो डिबेंचर्स है ना कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ये जो डिबेंचर है मान लो ये इक्विटी शेयर होल्डर में फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर. राइट, दीज आर व्हाट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. मतलब दिस इज द हॉट सेलिंग इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट. और नया कंपनी अगर ये दे दे मैं सबसे पहले खरीदूंगा. नया कंपनी का प्रॉफिट फिगर कैसा होता है? शुरू के दिनों में लॉस, 3-4 साल बाद कमाना शुरू करेगी. तो शुरू के दिनों में मैं तुम्हारा डिवेंचर होल्डर बन के रहना चाहता हूं, और जब तुम कमाना चालू करोगे तो मैं तुम्हारा इक्विटी बन के रहना चाहता हूं. इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली ट्रेडेड इन द मार्केट एट अ प्रीमियम. राइट, सो दीज डिवेंचर्स will be converted into equity shares, right? In future, इसी को बोलते हैं हम लोग potential equity share. सर एक बात बोलो, अगर ये लोग equity में convert हो गया फ्यूचर में ईपीएस डाइल्यूट होगा, हाँ या ना? इसीलिए डाइल्यूटेड अर्निंग बताना पड़ता है. इसीलिए डाइल्यूटेड. तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर में क्या क्या आएगा? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आता है, शेयर वॉरेंट्स आता है, ईसॉप आता है. ये सब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कैंडिडेट हैं. राइट, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है. सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो ना, बेसिक अर्निंग पर शेयर का न्यूमरेटर क्या है? 50. डिनोमिनेटर क्या है? 15. हाँ, मान लो ये डिबेंचर होल्डर को जब मैंने इक्विटी में कन्वर्ट करना है, आज नहीं हुआ ये लोग कन्वर्ट होगा, तब 20,000 शेयर मैं इनको दूंगा. और ये बिगिनिंग ईयर बिगिनिंग से, ये डिबेंचर ईयर बिगिनिंग से ही पोटेंशियल कैटेगरी में है. तो मैं मानूंगा इनको कि ये कन्वर्ट हो गया. अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? एक चीज और होगा, बताओ क्या? डिवेंचर में जो इंटरेस्ट दे रहा था मैं इतने दिन से, जैसे ये इक्विटी में कन्वर्ट होगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना. देखो आज मैं अगर ये 20,000 यहां से माइनस ना करूं तो मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा, लेकिन सर आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा. तो एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स विल इंक्रीज माय प्रॉफिट. बेसिक बोलता है जो एक्चुअल इक्विटी है उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा,
उसका आप वेटेड एवरेज निकाल लो, डाइल्यूटेड बोलता ना शेयर होल्डर लोग, सबका सब शेयर होल्डर दिल का मरीज है, हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट के सामने उसको झटका अच्छा नहीं लगता, डर जाता है बेचारा, हार्ट पेशेंट डर जाएगा। तो आज ही उसको ये बता दो कि हमारे यहां पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, इन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अगर आज मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं तो आपका अर्निंग्स का रूप ये होगा। मैंने क्या बोला, इन्फॉर्म कर स्टेक होल्डर्स को, आज के लिए नहीं फ्यूचर के लिए। तो इनको जब मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर टैक्स। पंद्रह हजार से प्रॉफिट बढ़ेगा, वहां इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने से हमारा टैक्स ज्यादा लगेगा। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया इंटरेस्ट के कारण आपका टैक्स नहीं बचता है, इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स बढ़ गया, इंटरेस्ट होने से टैक्स बचता है, इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पूछेगा आपको एग्जाम में टैक्स शील्ड क्या होता है, राइट, ड्यू टू इंटरेस्ट देयर इज अ सेविंग्स इन टैक्स, बिकॉज मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा, अभी इंटरेस्ट अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट आई हैव टू एंड अप पेइंग मोर टैक्स, तो इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट गिर गया, उसके कारण मेरा टैक्स भी कम लग रहा है, इसको टैक्स शील्ड बोला जाता है। राइट, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर, वाओ, पहले कितना था 3.33 पर शेयर, यहां हो गया 1.8, समझ गया मेरा बात, तो ये आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू पोटेंशियल कैंडिडेट्स आपका पोजीशन क्या है। ठीक है सर, पीई रेशियो बोल के एक चीज होता है विच इज मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, इसीलिए अर्निंग पर शेयर निकालना जरूरी है, राइट। जनरली आपका एक मल्टीप्लायर होता है, जितना ज्यादा आपका अर्निंग होगा उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मार्केट प्राइस उस हिसाब से आएगा, एंड ये मार्केट प्राइस आपका जो आ रहा है आपके हिसाब से, आपके मल्टीप्लायर के हिसाब से आपका जो पीई रेशियो होता है, हर कंपनी का देखेंगे आप, शेयर इंफॉर्मेशन जहां होता है ना सारा, वहां एक पीई रेशियो दिया रहता है कि ये कंपनी अपना अर्निंग्स का इसका कितना टाइम्स है मार्केट प्राइस, उस हिसाब से आप मार्केट प्राइस जो है उसको कंपेयर करिए,
ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस आपको मालूम चल जाए, राइट? आपके हिसाब से इसका भाव आना चाहिए 1000, मार्केट में जा रहा है 1200, तो ओवर प्राइस्ड हो गया, तो यू आर गोइंग टू डू शॉर्ट सेलिंग। आप मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई किए, शेयर प्राइस आया 1000, मार्केट में चल रहा है 910, अंडर प्राइस है, ग्रैब इट, राइट? सो दिस पी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई मार्केट प्राइस। तो पी रेशियो आसा कैसे है? मार्केट प्राइस बाई ईपीएस करके। तो जो मल्टीप्लायर आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अर्निंग पर शेयर आप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा, वुड बी मार्केट प्राइस। उसको आप एक्चुअल मार्केट प्राइस से कंपेयर करिए, अकॉर्डिंगली यू विल कम टू द शेयर इज ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड, राइट? तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। सर एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर दो। हाँ, एक होता है हिस्टोरिकल। पी रेशियो आप दो डेटा से निकाल सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव पी रेशियो सपोज करिए आपका पी रेशियो 10 है। ये पी रेशियो आप प्रोस्पेक्टिव भी निकाल सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे भी निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ द पास्ट अपकमिंग, राइट? और ईपीएस आपका 100 है, तो हिसाब से आपका वुड बी मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? टेन इंटू 100, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए एक्चुअल मार्केट प्राइस है 1200, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ओवर प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस 920, इसका मतलब क्या है? अंडर प्राइस्ड। आपके एग्जाम्पल एक और बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? क्या बोल रहे हैं बेटा? ये वाला जो एग्जाम्पल करवाया आपने वो एक और बार रिपीट करेंगे। पी रेशियो आपको समझ में आ गया ना? जी हाँ जी। हाँ, तो आपको पी रेशियो दिया रहेगा आपके कंपनी का, और आपको अर्निंग पर शेयर आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करके हर साल। जी, तो आप अगर अपना पी रेशियो से अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस ये होना चाहिए। हाँ जी, ये होना चाहिए। लेकिन चल कितना रहा है बाजार में? शेयर मार्केट में आपका 1200 चल रहा है, इसका मतलब आपका प्राइस ज्यादा दिखा रहे हैं ना मार्केट में। जी हाँ। तो इसको ओवर प्राइस बोले। और वहीं पे अगर मार्केट में कम दिखा रहा है, इसका मतलब आपका स्टॉक अंडर प्राइस है। ये सब आप जब बुक रीड करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। सर पी रेशियो क्या होता है, एक बार दोबारा बता देना। इट्स अ रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, मल्टीप्लायर होता है ये, एक तो वी कॉल इट एज मल्टीप्लायर। ओके सर। ठीक है? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। पी रेशियो से हम ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। हाँ हाँ हाँ, उल्टा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मान लो मैंने तो यहाँ पे, अब मान लो आप एक्चुअल पी निकालते हो, एमसीक्यू में आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, ये मेरा एक्चुअल मार्केट प्राइस है 1200। एवरीवन, व्हाट इज माय एक्चुअल मार्केट प्राइस? 1200। तो अगर मैं एक्चुअल पी निकालूं, एक्चुअल पी कितना है? मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर 12। सो दिस इज हाई ना। एस्टिमेटेड से ज्यादा है ना। एस्टिमेटेड पी मेरा 10 था, तो इसका मतलब स्टॉक एक्सपेंसिव है। तो उसको अभी खरीदना सेंस नहीं। हाँ हाँ, ओवर प्राइस मतलब एक्सपेंसिव हो गया ना, सर। एंड वाइस वर्सा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आइदर यू कैलकुलेट वुड बी मार्केट प्राइस, अकॉर्डिंगली यू कम टू नो ओवर प्राइस अंडर प्राइस, और यू डू दिस। ठीक यस सर। ओके। नाउ एक होता है ईबिटडा, इसे आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अर्निंग पर शेयर, बहुत लोग अपने एनालिसिस में ईबिटडा भी यूज करता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, राइट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर एमोर्टाइजेशन। बेसिकली अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, तो काफी सारी कंपनी इसको भी अपने एनालिसिस में यूज करती है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ईपीएस दे यूज दिस। क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव फिगर, हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है, वो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कर रही है। अगर हम एसेट को रिवैल्यू कर देंगे तो डेप्रिसिएशन का फिगर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर रेशियो विद अनदर, लोग ईपीएस की जगह इबिटडा पर शेयर भी कंपेयर करते हैं। क्लियर? ये सब शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैं बताया अभी आपको, अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, देन पी रेशियो क्या होता है, राइट? देन ईबिटडा क्या होता है। एक और चीज बताना है मेरे को, नैव, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। इसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इफ द कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड टुडे,
what is the refund available to equity shareholders? अगर मैं आज कंपनी को बंद कर दूं तो एक एक शेयर होल्डर को कितना रिफंड मिलेगा? मतलब मैं से सारा एसेट बेच दिया, सारा एसेट में कौन सा वाला नहीं बिकेगा भाई? वेरी गुड, इंटेंजिबल वाला नहीं बिकेगा। उसमें से करेंट लायबिलिटी भी दे दिया और नॉन करेंट भी पेमेंट कर दिया, मतलब बेसिकली शेयर होल्डर इक्विटी माइनस इंटेंजिबल एसेट। आप इसको बुक वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। हाइपोथेटिकली बंद कर रहा हूं तो मेरा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज द रिफंड ईच इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट? जब मर्जर्स एक्विजिशंस टेक ओवर जब ये सब चीज होता है ना, तब इस टाइप का वैल्यू का दरकार पड़ता है, राइट? मार्केट प्राइस मैनिपुलेटेड होता है डिमांड सप्लाई के कारण, बाजार को भी देखना समझ में आ जाएगा। सैफ अली खान का परचेज कंसिडरेशन होता है ना। एक्विजिशन में क्या होता है, आज से तुम्हारा बिजनेस मेरा हुआ, मतलब तुम्हारे एसेट लायबिलिटी मेरे हुए। अरे भैया मेरा शेयर होल्डर का है वो, चिंता मत करो, तुम्हारे शेयर होल्डर को मैं अपने कंपनी का शेयर देगा। औकात क्या है तेरा जो तुम देगा? मेरा एक एक कंपनी का शेयर का दाम 120 है, तेरा कंपनी का शेयर का दाम 30 रुपया है। नहीं, एक के बदले में मैं 4 देगा इंट्रेंसिक वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू आई विल गिव यू नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सचेंज होगा, जिसके पास में पुराने कंपनी का एक 120 वाला शेयर है उसको मैं 4 शेयर देगा 30 वाला। हो गया ना, तुम्हारा राइट्स तो रिजर्व हो गया। तो आप लोग रियल लाइफ में ये सब शब्द सुनेंगे कहीं ना कहीं, ये पेपर इस तरीके से बनाया गया है जिसे आपको सारा टर्म्स के बारे में समझा दिया जाए, राइट? सर, बुक वैल्यू भी तो मैनिपुलेटेड हो सकता है, तो ज्यादा रिलायंस मार्केट वैल्यू पे करना कि वो डिपेंड करता है। हाँ, हम लोग डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए इंट्रेंसिक वैल्यू। मर्जर्स एक्विजिशन में बट ऑब्वियस आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इंट्रेंसिक वैल्यू निकाले। जब आप शेयर इंफॉर्मेशन देखेंगे ना, वहां पे बुक वैल्यू पर शेयर भी लिखा हुआ रहता है कि एज कंपेयर टू दिस बुक वैल्यू व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, राइट? ये भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो बुक वैल्यू 200 है और मार्केट में प्राइस जा रहा है 150, पक्का खरीद लेना उस शेयर को अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अभी अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यूएशन अभी बढ़ेगी। सो इट इज लाइक दिस, शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस इंटेंजिबल एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Is it okay, everyone? Okay. Yes, sir. Now we will talk about other ratios quickly. I have already discussed many ratios, right? We have profitability ratio. Then we have liquidity ratio. And then we have efficiency ratio.
सारा रेशियो का आप लोग एक पन्ने में लिख के दीवार में चिपका दीजिएगा। मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करता था, सारा रेशियो का आपको मीनिंग जाना है, इसका इंटरप्रिटेशन जाना है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो? एक मैनेजर था, एग्जाम में सब आएगा। व्हाई मैनेजर इज अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, व्हाई मैनेजमेंट इज अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, व्हाई मैनेजमेंट इज अगेंस्ट एक्सपेंशन? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का है तरीका क्या है बताओ तो, फॉर्मूला ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? EBIT by capital employed, हाँ या ना? Yes, sir. Right? अब मान लो अगर मैं एक्सपेंशन में जाऊंगा तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, प्रॉफिट का पहला दिन से आ जाएगा था। यहां पे बगल में एक रेस्टोरेंट बन रहा है, एक महीना हो गया काम आते हुए, भाड़ा लग रहा है, भाड़ा लग रहा है, इंटीरियर चल रहा है, आज पहला क्लास है ना हम लोग का, आज से 20 क्लास बाद में भी वो बन ही रहा होगा अभी तक, इसलिए अगेंस्ट होता है वो लोग। और मेरा अप्रेजल होने वाला है यार, और अभी तुम बोल रहे हो एक्सपेंशन करेगा, मालिक को लगेगा आई एम अंडर परफॉर्मिंग, एक्चुअली आई एम नॉट अंडर परफॉर्मिंग, पुराना एसेट से घिसा पिटा काम चला रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में पुराना एसेट चला जाएगा, नया एसेट आ जाएगा, उससे क्या होगा, खाली डिनोमिनेटर का बेस बढ़ेगा, न्यूमरेटर उतना ही रहेगा भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, पुराना एसेट जब तक ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक उसको चलाता है, वो लोग रिवैल्यूएशन के भी खिलाफ है। उनका बस चले तो 100 करोड़ का कंपनी है उसको 20 करोड़ बोल के दिखाए, जिनके उनका आरओसी का परसेंटेज और बेटर रिफ्लेक्ट करके उनको ज्यादा इंसेंटिव मिले, राइट? और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैपिटल वगैरह का मीनिंग, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन इनटू प्रॉफिट मार्जिन। आरओसी दोनों दोनों में से किसी से भी इफेक्ट कर सकता है, यू आर अनेबल टू यूटिलाइज योर एसेट इफेक्टिवली और देयर इज अ फॉल इन द प्रॉफिट मार्जिन, फॉल इन द प्रॉफिट मार्जिन, आपका सेलिंग प्राइस मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अभी मैंने 20% डिस्काउंट देके किया है काम, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं आने वाले टर्म में सीधा 13,500, 15,000, 16,000, 17,000 ऐसे बढ़ेगा। अभी लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम लोग अच्छा करवाते हैं, राइट? बाद में बोलने का नहीं पड़ेगा, जो मांगेंगे वो देगा, ऐसा ही होता है मार्केट में, राइट? सो इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन इनटू प्रॉफिट मार्जिन।
बहुत जन सोच रहा अच्छा हुआ हम लोग इसमें कर लिया राइट एनीवे। और मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें क्या होगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बाय शेयर होल्डर इक्विटी लेंगे, शेयर होल्डर इक्विटी मालूम है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल्स, वेरी गुड, ये इक्विटी शेयर होल्डर अपना। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी अलग अलग टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल, नेट प्रॉफिट बाय सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईपीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस फाइनेंस इनकम बाय सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर आप लोग पीएल का फॉर्मेट देखेंगे, जीपी आया सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें से लेस एडमिनिस्ट्रेटिव लेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, खाली फाइनेंशियल इनकम ऐड करना है, फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट लेस नहीं करना, उसी को बोलते हैं अपने ईपीआईटी। सो ईपीआईटी अपॉन सेल, अलग अलग टाइप का प्रॉफिट मार्जिन होता है। क्या चीज बोल रहे हैं फिर से बोलो, नहीं 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 ये जो है ये टोटल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बंदा बोल रहा है ये भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन ये है फ्रॉम टोटल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का एज अ होल, और ये है फ्रॉम इक्विटी ओनर लोग के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, ये टोटल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। होलसेल बिजनेस में, होलसेल बिजनेस में क्या होता है, एसेट यूटिलाइजेशन हाई रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है वो लोग का एज कंपेयर टू अदर बिजनेस, पर अल्टीमेटली दे एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी, उनके पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास नहीं है, despite I have a profit margin of 15-20% and they have a profit margin of 1%. Jara hai? तो ये सब जो है ना आपको दिमाग लगाना है, प्रॉफिट मार्जिन कम है चलेगा, चक्का घुमाएगा मैं, रोलिंग करेगा पैसा का, क्लियर, रियल एस्टेट हाई प्रॉफिट मार्जिन बट चार साल में एक चक्का घूमेगा, क्वेश्चन आएगा ना अपने आप आंसर समझ में आएगा ये सब नॉलेज के बाद, देन यू गेट द क्वेश्चन ना, हाँ नेक्स्ट क्लास जब हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली इट विल मूव ऑन। राइट, समझ गया ना अंबानी, अंबानी ये पॉलिसी फॉलो करता है, सस्ता में देता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, कस्टमर से फिक्स कॉस्ट लेता ही नहीं है वो, हमारे पास तो उतना वक्त नहीं है,
नहीं तो आई वुड हैव इजीली प्रूव्ड, दिखाता मैं आपको सेम कंपनीज मतलब सेम प्रोडक्ट, एक मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, अंबानी कर रहा है, अंबानी करोड़ों बनाया, मैं कुछ नहीं बना पाया, मेरा सोच। एक आदमी होता है नहीं हम सारा कॉस्ट कस्टमर से लेंगे, तो वो 100 रुपए में बेचेगा माल, अंबानी क्या बोलता है 50 में ठेल, 50 में ठेल, खाली वेरिएबल कॉस्ट ले रहा और कुछ नहीं ले रहा, और 2 रुपया खाली मार्जिन का लिया, ओनली 2 रुपीज, और जो बंदा 100 में बेच रहा है वो 20 रुपया मार्जिन कमा रहा है, अंबानी खाली 2 रुपया कमा रहा है। अंबानी क्या किया, 100 में जो बिक रहा था प्रोडक्ट उसको ले आया 50 में, 100 में बिकने वाला प्रोडक्ट को ले आया 50 में, इससे क्या हुआ मालूम है, मार्केट साइज बढ़ा दिया। पहले 100 रुपया मेरे औकात में नहीं था, पहले फोन पूरे मोहल्ले में एक हुआ करता था, हमको आज भी याद है, दादी मां बोलती थी जा शर्मा आंटी को बुला ला, वर्मा आंटी को बुला ला, इसको बुला ला, उसको बुला ला, दिन में 5 दिन 5 बार मैं यही करता था, पूरे मोहल्ले में एक फोन हुआ करता था, वो भी लैंडलाइन। अंबानी ट्रांसफॉर्म कर दिया सस्ता देके, आदमी का जेब में आईफोन का घंटी बज रहा है, पहले दिखाता था निकालने का कोशिश करता था, लेकिन अब देखता है सामने वाले के पास बज रहा होगा उसका, इतना सस्ता हो गया है। तो 100 का चीज 50 में आएगा तो लोगों के अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पहले हर प्रोडक्ट का एक मार्केट साइज था, पूरे मोहल्ले में एक, मोहल्ले में 1000 घर होता है, हर घर में एक आया, हर घर में एक नहीं, घर में 5 लोग रहते हैं, हर लोगों के पास एक एक आया, हर लोग के पास एक एक नहीं, हर लोगों के पास 2-2 फोन आया। क्या साइज बढ़ा मार्केट का देखो, एक से 1000, 1000 से 4 मेंबर करके 4000, 2-2 करके 8000, चल 13 नहीं माना तो 6000 समझ ले, चल राउंड फिगर, जहां पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था अब उस मोहल्ले में 6000 फोन है, ऐसा कितना मोहल्ला होगा, मल्टीप्लाई करके 2 रुपया कमाया, प्रॉफिट मार्जिन देख लो, इसको बोलते लो प्रॉफिट हाई वॉल्यूम गेम। और ये वही सक सकता है जिसके पास पैसे का पावर है, हम जैसा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग इंडस्ट्री से आदमी बुलाते हैं, हम लोगों का खर्चा लगता है, हम लोग बच्चा लोग से कुछ नहीं लेते, क्योंकि आज हमारे औकात में आ गया है वो चीज। मान लो अगर ये ऑफिस फ्री हो जाए, इसका लोन खत्म हो जाए, घर का लोन खत्म हो जाए, पैसे का क्या करेंगे, सब फ्री कर देंगे, सब सारा सर्विस फ्री, तो उसके लिए तुमको 10 साल रुकना पड़ेगा अभी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा काफी सारा मॉडल होता है। प्रॉफिट मार्जिन लो इसका मतलब ये नहीं कि हम खराब है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ना 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 ना, गलत बात मत बोलो। पुअर मैनेजमेंट, गलत बात मत बोलो, वक्त बताएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन लो तो उसका पहले गेम प्लान समझो, ठीक है ना। सो ये मैंने काफी पूरा कवर कर दिया है, खाली 2 टाइप का बाकी है, वी विल डू इट टुमारो एंड देन टुमारो वी विल डू फ्रॉम रिवीजन नोटबुक, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास ऑनलाइन, सबको ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर 14 पढ़ लेना है, पूरा रीड कर लीजिएगा, राइट। एक तरीके से आपको घर में जाके बहुत खुशी होगी, जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जितना भी डिस्कशन किया है ना सारा बुक पढ़ डाला, पूरा बुक पढ़ डाला, एवरीथिंग आई हैव डन इट। यस तीसा, सर आप जो बुकलेट 3 का वो क्वेश्चंस करवाए थे वो हम अभी पूरा खत्म करेंगे और यू विल डू द रेस्ट ऑफ द। हाँ, वो आप जैसे कर रहे हैं चैप्टर 9 वाला जो मैंने बोला है देखने के लिए,
वो आप एज यूजुअल देखते चलिए, फिर हमारा मास्टर क्लास में चैप्टर 9 एकदम लास्ट में आएगा। अच्छा ओके ठीक है, चैप्टर 9 to 12 मास्टर क्लास में लास्ट में आएगा, बाय द टाइम वी विल फिनिश ये सब। ठीक है ओके चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो सोहम। सर शेयर वारंट का मतलब क्या होता है? शेयर वारंट होता है जैसे मान लो अगर हमको आज किसी क्लब का मेंबरशिप चाहिए राइट, तो हमको वेट करना पड़ेगा पैसा देके। वैसे कंपनी क्या करती है, पैसा ले लेती है बट शेयर इश्यू बाद में करेगी। ओके सर, एनी मोर डाउट्स? ये पूरा पढ़िएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वगैरह पूरा पढ़िएगा, खाली लिक्विडिटी और एफिशिएंसी हम लोग कल करके सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाएंगे, और कल हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस भी ले, सॉरी नेक्स्ट क्लास जब भी है, आई डोंट नो द रूटीन, सीधा रूटीन। बाय।